वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो इसके पहले तीन लेक्चर्स हो चुके हैं, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। आगे बढ़ते हैं डेस्कार्टस रूल का यूज करके जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो आपको मीटर 17 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो पूछे जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट बताना है यानी आपको ये बताना है कि हमारा रूट जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इमेजिनरी आएगा या कैसा आएगा, आपको बताना है, अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो आपको ये डिस्कार्डस रूल के थ्रू ये आप बता पाओगे, है ना। तो अभी यहाँ पे हमको एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का नेचर ऑफ रूट आपको निकालना है। सबसे पहले तो हम इसका साइन निकालने की कोशिश करेंगे। जी एक्स टू द पावर 4 है, इसका साइन आपको प्लस मिल रहा है। एक्स क्यूब वो जो पॉजिटिव मानते हैं हम, एक्स क्यूब का भी साइन 0। एक्स स्क्वायर ये साइन पॉजिटिव है, एक्स ये भी साइन पॉजिटिव है, माइनस ये भी साइन जो है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक ही साइन चेंज दिख रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में एक ही साइन चेंज दिख रहा है, किसमें, एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में आपको एक ही साइन चेंज दिख रहा है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट 1 मिलेगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है वो 1 रहेगा, ठीक है। और अगर आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे सपोज आपने एफ ऑफ 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 यानी एक्स की जगह 0 पुट करो, एक्स की जगह जब आप 0 पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। पर जब आप एफ की जगह साथ ही इन्फिनिटी पुट करते हो, एक्स की जगह आप इन्फिनिटी पुट करो, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये माइनस साइन हो गया, चलो जाने दो इसको। अगर जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हो तब आप क्या देखोगे कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। जब आपने एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो इन्फिनिटी जब हम पुट करते हैं तो डायरेक्टली इन्फिनिटी वैल्यू पुट नहीं करते। देखिए जब आपको एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करना है तो वो वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ रही है, वो वाली पॉजिटिव कब आ रही है, जब आप एफ ऑफ एक्स को इक्वेट कर रहे हो 0 से, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हो। आप इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, इसलिए आपने एक्स टू द पावर 4 जो है वो कॉमन आउट किया। जब आपने एक्स टू द पावर 4 कॉमन आउट किया तो यहाँ पे 12x² हो गया, 5x³ है और 4x⁴ है। अभी यहाँ पे इक्वल टू 0 है, हमारा एक्स जो है वो इन्फिनिटी है, 0 नहीं है, इसलिए हम एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक्स टू द पावर 4 से जब हमने डिवाइड किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये वैल्यू तो 0 ही रही, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो 0 ही रही। तो यहाँ पे जब हमने लिमिट एक्स टू द पावर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हमने लगाया तब यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, बची हुई टर्म जो है वो सिर्फ 3 है। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑक्स का वैल्यू जो है आपको 3 मिला, ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्म मिल रहा है। यानी एफ ऑफ 0 पे आपको नेगेटिव टर्म मिल रहा है, एफ ऑफ इन्फिनिटी पे आपको पॉजिटिव टर्म मिल रहा है। यानी अगर आपके पास इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है, तो जीरो पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है -4, ठीक है। और इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिल रही है, एट पॉइंट इन्फिनिटी हमारा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यानी इस तरीके से हमारा फंक्शन जा रहा है, ये जो है यह क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स है, इस तरीके से हमारा फंक्शन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक ऐसी पॉजिटिव रूट हमको मिलने वाली है, यानी ये पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, रूट रहेगा हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, जहाँ पे वो वैल्यू जो है वो 0 देता है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो पॉजिटिव रूट है, किसमें, हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। सिमिलरली हमने एफ ऑफ एक्स का साइन देख लिया, एफ ऑफ एक्स का साइन देख के आपको क्या पता चला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है वो 1 है, एक ही है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक पॉजिटिव रूट हमें मिलने वाला है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स का साइन देख रहे हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स का साइन जब आप रखते हो, यानी जो हमारा इक्वेशन है एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो ये जो इवन वाले टर्म्स है वो तो अनअफेक्टेड रहेंगे, ये वाला इसका साइन अनअफेक्टेड रहेगा, इसका साइन अनअफेक्टेड रहेगा, पर इसका साइन जो है वो चेंज होगा। दैट मीन्स कि हमारा एफ ऑफ एक्स उसका साइन क्या हो जाएगा, उसका साइन हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस। दैट मीन्स
कि यहाँ पे जब वो प्लस से लेके माइनस में जा रहा है तब एक साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स में यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ नेगेटिव रूट जो है, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट जो है वो कितनी है, एक रहेगी। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट जो है वो एक रहेगी। सिमिलरली जब आप एफ ऑफ जीरो पुट कर रहे हो किस में, एफ ऑफ माइनस एक्स में, है ना, जब आपने एफ ऑफ जीरो पुट किया तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है ना। एफ ऑफ जीरो जब पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, पर जब आप एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे सेम वे जिस तरीके से हमने यहाँ पे एफ ऑफ इन्फिनिटी पुट किया था, जब आप एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव वैल्यू मिली थी यहाँ पे वैसे ही सेम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन जो है एट पॉइंट माइनस इन्फिनिटी हमारा फंक्शन जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। और एट पॉइंट माइनस, देखो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी पुट करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने माइनस इन्फिनिटी हमारे फंक्शन में पुट की तभी भी आपको यहाँ पे थ्री वैल्यू मिल रही है, यानी जब आप जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तभी भी आपको यहाँ पे एक रूट मिल रहा है, और ये रूट क्या रहेगा, नेगेटिव रूट मिल रहेगा, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारा फंक्शन जा रहा है, इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी, जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू थ्री में दे रहा है और इन्फिनिटी पे भी वैल्यू थ्री दे रहा है, और एट पॉइंट जीरो हमारा फंक्शन जो है वो माइनस फोर वैल्यू दे रहा है। यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे फंक्शन की एक जो है वो एक नेगेटिव रूट है और एक पॉजिटिव रूट है, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट जो है वो लेस देन इक्वल टू वन। इसके पहले आप लोगों ने वो लेमा पढ़ा था ना कि अगर फंक्शन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव पे जाता है, दैट मीन्स कि बीच में एक रूट रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे एक पॉजिटिव रूट है और वैसे ही एक यहाँ पे नेगेटिव रूट है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से हमारे फंक्शन के दो रूट हो गए, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पर हमारा इक्वेशन जो है वो तो इन टर्म्स ऑफ एक्स टू द पावर फोर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो है रियल रूट है, दो रियल है, दो रियल है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और बाकी के दो रूट जो है वो क्या है, इमेजिनरी रूट है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल चार रूट आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टोटल चार रूट आते हैं। जो हमने अभी आपको लिखाया सेम हमको वर्डिंग्स में लिखाते हैं, आप इसे कॉपी डाउन कीजिए। ये आपको बस एक्सप्लेनेशन के लिए था, अभी हम वर्डिंग में निकालते हैं आपको। सॉल्यूशन आएगा, लेट एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, हमारा पॉलिनोमियल 3x4 12x2 5x-4, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। द साइंस ऑफ द टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आर, इसका साइन क्या है, देखिए ये प्लस है पहले, फिर बाद में प्लस है, फिर प्लस है, फिर नेगेटिव है, दैट मीन्स साइन चेंज कहाँ पे हो रही है, वन साइन चेंज हो रही है। देयर इज वन चेंज ऑफ साइन, ठीक है, एक साइन चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस बाय डिस्कार्टस रूल देयर इज ज्यादा से ज्यादा एक पॉजिटिव रूट रहेगा, वन पॉजिटिव रूट, ठीक है। और साथ में हमने क्या देखा था ऑल्सो कि जब हम एफ ऑफ जीरो निकालते थे तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलती थी, और जब हम एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालते थे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती थी। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, देर इज एटलीस्ट वन रूट, एक रूट तो उसके पास जरूर होगा जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। दस देर इज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट, इसलिए वहां पे एक पॉजिटिव रूट रहेगा, वन पॉजिटिव रूट, ठीक है। दस देर इज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे. एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 3x टू द पावर 4 12x स्क्वायर, पर x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस 5x हो जाएगा माइनस 4. ठीक है, इस तरीके से हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया. और देर इज आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड देर इज वन साइन चेंज, यहां से यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ है, वन साइन चेंज. Hence, f of x is equal to 0 has, कम से कम क्या होगा, has at most one negative root. Also, हमने क्या देखा था कि जब हम f of 0 रखते थे तो हमको value negative मिलती थी, और जब हम f of minus infinity रखते थे तो value पॉजिटिव मिलती थी. इसका मतलब क्या हो गया, हेंस देर इज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन जीरो एंड माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, दस देर इज एग्जैक्टली वन नेगेटिव रूट. ठीक है, therefore the equation has, इसलिए हमारे equation के पास exactly दो root है जो कि real रहेगे, exactly two real roots. पर हमारा क्या है, equation is of degree, since the equation is of degree four. It has four roots. उसके चार roots होने चाहिए. Hence it must have exactly two complex roots. दो real root है तो बाकी के दो जो है वो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है कि यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि डिस्कार्टस रूल से हम लोग क्या कह रहे हैं कि एटमोस्ट वन पॉजिटिव रूट है करके. डिस्कार्टस रूल से ज्यादा एक पॉजिटिव रूट कह रहे हैं, और फिर बाद में हम लोग क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वन रूट जो है वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में है बोल रहा है. यानी एटलीस्ट इस तरीके से साइन आती है, यानी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट कह रहे हैं. ठीक है, और ये जो जीरो इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट है आपका, जीरो और इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट है आपका, वो आपने एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी में पढ़ा था, है ना. इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि एटलीस्ट वन रूट है करके. इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई करके बोला है कि एटलीस्ट वन रूट है करके. ठीक है, इसलिए एटमोस्ट और एटलीस्ट की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट कह रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से सेम एक एग्जाम्पल है इसके बाद का. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपको विंटर 18 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था. शो डैट द इक्वेशन has at least 4 imaginary roots. आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है उसके पास कम से कम 4 इमेजनरी रूट्स है करके आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम f of x का साइन चेंजेस देखते हैं. f of x का साइन चेंजेस आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये प्लस साइन मिल रहा है, ये नेगेटिव साइन दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, ये नेगेटिव साइन दे रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे साइन चेंजेस कहाँ कितने हो रहे हैं, 3 साइन चेंजेस हो रहे हैं. f of x में 3 साइन चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है वो एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए. ठीक है, और फिर f ऑफ माइनस एक्स जब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन f ऑफ माइनस एक्स, तब क्या देखोगे कि यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, ये तो नेगेटिव रहेगा, और ये वैल्यू x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये नेगेटिव आ गया, और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है. दैट मीन्स नो साइन चेंजेस, तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट जो है वो कम से कम 0 रहेगा. दैट मीन्स कि आपके पास 3 जो है वो पॉजिटिव रूट आ रहे हैं यहाँ पे, और नेगेटिव रूट आ ही नहीं रहा. यानी 7 पर हमारे डिग्री कितनी है इक्वेशन की, 7 है, तो 7-3 आप कर रहे हो तो आपके पास 4 बच रहा है. दैट मीन्स ये जो 4 जो बच रहे हैं वो क्या है, कम से कम ये 4 के 4 क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स होने चाहिए हमारे इक्वेशन एफ ऑफ एक्स के. ठीक है,
इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है, सेम जो हमने आपको एक्सप्लेन किया हम आपको वर्डिंग में लिखाते हैं. सॉल्यूशन डिनोट एफ ऑफ एक्स. अब एफ ऑफ एक्स को डिनोट करूंगे 2x^7 माइनस x^4 4x³ -5. ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. द साइन पैटर्न इज, यहाँ पे साइन पैटर्न क्या है, पहले प्लस साइन आ रही है, माइनस साइन आ रही है, प्लस साइन आ रही है, फिर माइनस साइन आ रही है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयर आर थ्री चेंजेस ऑफ साइन. तीन चेंजेस हो रही है साइन की, एंड हेंस हम क्या कह रहे हैं, बट डिस्कार्टस रूल देयर आर एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने, थ्री पॉजिटिव रूट रहेंगे. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे. एफ ऑफ माइनस एक्स जब आपने कैलकुलेट किया, एफ ऑफ माइनस एक्स आपको क्या मिल रहा है, -2x^7 -x^4 -4x³ -5. दैट मीन्स यहाँ पे द साइन चेंजेस पैटर्न कितने हैं, देर इज नो साइन चेंज, देर इज नो चेंज ऑफ साइन. ठीक है, एंड हेंस हैज नो नेगेटिव रूट, इसलिए कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है. हेंस द इक्वेशन, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारी इक्वेशन के पास हैज ज्यादा से ज्यादा कितने रूट है, हैज एट मोस्ट थ्री रियल रूट. और तीनों के तीनों कौन से रूट है, पॉजिटिव रूट है. ठीक है, तीन रियल रूट है, तीन रियल पॉजिटिव रूट है. द गिवन इक्वेशन हमारी गिवन इक्वेशन का डिग्री कितना है, ऑफ डिग्री 7 है ना, एंड देयरफॉर 7 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट इज 4. कम से कम उसके पास 4 जो है वो इमेजिनरी रूट्स रहेंगे. ठीक है, मूव करते हैं आगे रिमार्क की तरफ. ये रिमार्क आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट रिमार्क है, इफ द कोएफिशिएंट आर ऑल पॉजिटिव देन द इक्वेशन हैज नो पॉजिटिव रूट. जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, अब इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. अगर इसके सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं तो ये कह रहा है कि उसके पास एक भी पॉजिटिव रूट नहीं रहेगा. नो पॉजिटिव रूट यानी जितने भी रूट्स है वो सब नेगेटिव रहेंगे, जितने भी रूट्स है वो सब नेगेटिव रहेंगे. अगर आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसके अगर रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको इसके रूट्स कैसे मिल रहे हैं. जैसे इसको सॉल्व किया आपने तो ये क्या होगा, 2 1 2 है ना, ये 2 हो गया, 2 1 2 +1 प्लस करूंगे, इनको ऐड करूंगे तो आपको +3 मिलेगा. 2 1 2 करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा. ठीक है, तो यानी यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करके देख रहे हो, ये निकाल दिया आपने तो x+1 बचा. ठीक है, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ रही है, -2 -1. यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपके पास जो रूट आ रहे हैं इसके, ये क्या आ रहे हैं, नेगेटिव रूट आ रहे हैं. नेगेटिव रूट यानी नो पॉजिटिव रूट. ठीक है, यानी आप यहाँ से क्या चेक कर पा रहे हो कि अगर आपके पास सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव रूट आएगा. ठीक है, पॉजिटिव रूट नहीं आएगा. ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिमार्क था. नेक्स्ट रिमार्क है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द इवन पावर ऑफ एक्स आर ऑफ वन साइन and the coefficient of odd power of x are of the contrary sign. यानी क्या कह रहा है कि अगर even powers का sign एक हो और odd powers का sign जो है वो different हो, ठीक है, उसका sign अगर अलग हो
तो देन द इक्वेशन हैज नो नेगेटिव रूट, तब हमारा इक्वेशन के पास नेगेटिव रूट नहीं होगा, ये हमें बताना है. ठीक है, मतलब ये आपको तो रिमेम्बर करना है, यानी इवन पावर्स का एक साइन चेंज होना, एक साइन होना चाहिए, ऑड पावर्स का डिफरेंट साइन होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि हमारे इक्वेशन के पास एक भी नेगेटिव रूट नहीं है, यानी कि सारे के सारे रूट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है, तो जैसे सपोज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो -1 -2 लेना पड़ेगा, तब ये -3 होगा, दैट मीन्स x² - 2x - x + 2 = 0. आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आप क्या देखते हो कि ये वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 और 1 मिल रहा है, यानी जो सारे के रूट जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव रूट मिल रहे हैं. ठीक है, यानी इस तरीके से जब इवन पावर्स का साइन दूसरा होता है और ऑड पावर्स का टर्म साइन जो है वो डिफरेंट होता है, तब हमें जो रूट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, पॉजिटिव रूट मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क है, इफ द इक्वेशन कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ x, ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें सिर्फ इवन पावर मिल रहे हैं, हैविंग नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म, हमारा जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो नॉन जीरो है, एंड द कोएफिशिएंट आर ऑफ द सेम साइन, और सारे कोएफिशिएंट जो है वो सेम साइन के हो, देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तब ऐसे इक्वेशन के पास एक भी रियल रूट नहीं होगा. ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सारे टर्म्स जो है वो इवन है, सारे साइन जो कोएफिशिएंट के साइन जो है वो सेम है और नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है, तब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट है वो कैसे आएगा, रियल रूट नहीं आएगा, सारे रूट जो है वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएगी या फिर कॉम्प्लेक्स आएंगे. ठीक है, तो जैसे सपोज मैं मुझे हमें इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे लिखती हूँ एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे सपोज मैं ए डिनोट कर रही हूँ, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर 2a + 1, तो यानी ये क्या हो गया, ए प्लस वन द होल स्क्वायर हो गया = 0, यानी ए प्लस वन = 0 हो गया, ए इज इक्वल टू -1 हो गया, पर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x² = -1. ठीक है, यानी x का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस i आएगा, है ना, क्योंकि x² = -1 है, यानी x = क्या आएगा, +√-1, यानी ये क्या हो गया, +-i हो गया, √-1 यानी i होता है ना, तो यानी इस तरीके से यहाँ पे आपको 4 ± i, इस तरीके से चारों के चारों जो है वो इमेजिनरी रूट मिल जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आपको चारों के चारों रूट जो है वो क्या मिल जाएंगे, इमेजिनरी मिल जाएंगे. ठीक है, यानी जब हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री इवन डिग्री यूज हो रही है और सेम साइन आ रहे हैं, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे रूट जो है वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क है हमारा, इफ द इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑड पावर ऑफ एक्स, ऐसा इक्वेशन है हमारे पास जो कि सिर्फ ऑड पावर कंटेन कर रहा है, एंड द कोएफिशिएंट आर ऑफ द सेम साइन, सारे कोएफिशिएंट का साइन जो है वो सेम हो, देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट एक्सेप्ट x = 0. तो ऐसे हमारे इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, अगर रियल रूट नहीं होगा और कैसा होगा, अगर होगा भी नो रियल रूट, x = 0 के अलावा कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी जितने भी रूट होंगे वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे, पर x = 0 जो है, यानी जीरो वाला रूट जो है वो ही एकलौता रूट होगा उसके पास. ठीक है, रियल में, यानी अगर हम x³ + x = 0, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोएफिशिएंट जो है, सारे डिग्री जो है वो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे ऑड डिग्री का है, ये 3 है, ये 1 है, ऑड डिग्री का है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको रियल रूट तो नहीं मिलेगा, जीरो रूट मिलेगा और बाकी के रूट जो है वो कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स मिलेंगे. ठीक है, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम एक्स कॉमन आउट निकाल सकते हैं, x² + 1 लिख सकते हैं = 0, यानी x = 0, तो ये एक रूट हो ही गया, पर दूसरा ये जो रूट निकलेगा वो कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा. ठीक है, x = ±√-1, यानी ये रूट कैसा आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है. ठीक, तो इस तरीके से जब हमारे पास ऑड
पावर्स वाले इक्वेशन हो जिसके सारे कोएफिशिएंट सेम हो, तब हमारे पास x इक्वल टू जीरो एक रूट मिलता है, बाकी के रूट जो है वो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, तो वैसे तो ये जो रिमार्क है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। हायर स्टडीज में अगर आप एमएससी लेते हो तो ये सब चीजें कम में आती है, इसलिए हमने बताया। वैसे तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के जो थे उसमें हमने मार्क्स आपको लिख के दिखाए हैं और कब पूछा गया है वो भी बताया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई कीजिए, डाउट्स लिखिए, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें मैसेज भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।